मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस कवर करेंगे। इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस, इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं विच आई वॉन्टेड कि आप उनको भी पढ़ें। तो कुछ हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है अपने, एंड आई विल बी पोस्टिंग दैट इन द PDF सेक्शन। आपका डिस्कशन फॉरम में मैं पोस्ट कर दूंगी। एंड रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हिसाब से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दोज PDFs, वेरी असेंशियल PDFs दे आर, ठीक है। एंड स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस। इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस पे शुरुआत करेंगे हम। इंडिया एंड वेस्ट एशिया, देखिए PDF पहले मैं इसके अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया एंड वेस्ट एशिया का। बच्चों को बेसिक्स की ही क्लैरिटी नहीं होती है, इस वजह से ज़्यादातर विदाउट क्लैरिटी हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लिखने में भी, सॉल्यूशंस लिखने में भी थोड़ा टफ लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया एंड वेस्ट एशिया का वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ दैट, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एक बैकग्राउंड देखेंगे यहाँ पर, इंडिया इज़राइल एंड इंडिया सऊदी अरेबिया और इस तरीके से। सबसे पहले तो हम मिडल ईस्ट में क्या क्राइसिस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो वेट अ मिनट, लेट मी अपलोड द PDF। Give me a few minutes finding the PDF actually. West Asia. Good morning. चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वेस्ट एशिया, सबसे पहले वेस्ट एशिया में हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एंटायर रीजन जो आपको दिख रहा है यहाँ, दिस इज अफ्रीका एंड दिस वन इज वेस्ट एशिया।
ये वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया को हम दूसरे नाम से मिडल ईस्ट नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ईरान, ये टर्की एंड दिस मच इज़राइल, अप टू दिस पॉइंट, ये पूरा वेस्ट एशिया में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट है पूरा वेस्ट एशिया में, ये इसके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ज्योग्राफिकल डिटेल्स, बट आई डायरेक्टली स्किप दिस डिटेल्स, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ज्योग्राफिकल डिटेल, क्योंकि मिडल ईस्ट की रीजन काफ़ी टर्मोइल में है, ठीक है, क्राइसिस चल रहा है यहाँ पर। ये भी रीजन है कि यहाँ से मैप सेक्शन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पिछले कुछ सालों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं मैप सेक्शन में। तो मैप सेक्शन का काफी इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि दिस यू हैव टू रिमेम्बर दैट दिस इज स्ट्रेट डार्डनल स्ट्रेट, ये है सी ऑफ मरमरा, दिस वन इज बॉस्पोरस स्ट्रेट। आपको अगर एजियन सी से ब्लैक सी में एंटर करना हो तो उसके थ्रू आपको इन सभी को क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज सीरिया, इस सीरिया है जहाँ पर अभी क्राइसिस चल रहा है, सीरियन क्राइसिस। दिस इज सीरिया के साथ में ही आपको दिखेगा लेबनन है, सीरिया के इधर साइड इराक है। तो इराक और सीरिया में अभी आइसिस की पकड़ बनी हुई है, तो इसीलिए हम उसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये सीरिया मैं आपको दिखा चुकी हूँ, दिस इज टर्की, दिस इज ईरान, दिस इज इराक। अब सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट स्टेट हियर, सऊदी अरेबिया की राइवलरी है इराक के साथ, यहाँ छोटा सा आप देख रहे होंगे, दिस इज कुवैत। देन दिस इज जॉर्डन, दिस इज जॉर्डन। जॉर्डन इस हिसाब से कि मेडिटेरेनियन सी के साथ में डायरेक्ट इनके कनेक्टिविटी नहीं है, तो जॉर्डन इज देयर फॉर अ लैंड लॉक्ड स्टेट, जॉर्डन लैंड लॉक्ड है। दिस इज लेबनन एज यू कैन सी, दिस इज लेबनन। येलो वाला जो आपको एरिया दिख रहा है जिसमें हल्का सा ग्रे है, दिस इज इजराइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज इजराइल। देखिए आज के टाइम पे दिस वन इज इजराइल वो दिक्कत नहीं है आज, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इजराइल को समझना फिर भी इजी है, रीजन बीइंग कि पैलेस्टीन और इजराइल का जो डिमार्केशन है वो अलग अलग हो रखे हैं। लाइक दिस रेड एरिया दैट यू आर सीइंग, ये जो है गाजा स्ट्रिप है, ये पैलेस्टीन का पार्ट है, एंड दिस वन दिस इज वेस्ट बैंक, ठीक है, ये भी वेस्ट इसका पार्ट है, क्या नाम है, पैलेस्टीन का पार्ट है। लेकिन रिसेंटली वेस्ट बैंक में बहुत ज्यादा फर्दर एक्सपेंशन हुआ है इसराइल का, तो काफी फ्रेगमेंटेड हो गया है वेस्ट बैंक, इसको भी समझेंगे। देखिए पहले ये पूरा जो इसराइल है, पहले ये पूरा वेस्ट बैंक हुआ करता था, आज के टाइम पे सॉरी नॉट वेस्ट बैंक, पूरा जो इसराइल है ये पैलेस्टीन हुआ करता था। आज के टाइम पे पैलेस्टीन इज जस्ट लिमिटेड टू गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक में भी फर्दर इनरोड्स हो रही हैं, देर आर यू नो फर्दर एक्सपेंशन दैट इज बीइंग डन बाय इसराइल। तो ये काफी एरिया बहुत ही यू नो कम होता जा रहा है फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल, इसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये सभी क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं। सो दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो थोड़ा सा समझेंगे इसको। ये कुछ एरियाज हैं जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, दिस एरिया दैट यू सी दिस इज गोलन हाइट्स, ये तेल अवीव है, पहले इसराइल की कैपिटल तेल अवीव हुआ करती थी, आज के टाइम पे कैपिटल चेंज कर दी गई है। इनफैक्ट यूएसए ने ही पिछले ही साल जेरूसलम में, हम देखेंगे इसको कैपिटल यू नो इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, प्लस इनकी एम्बेसी पहले इसराइल की यूएसए की तेल अवीव में हुआ करती थी, इन्होंने भी शिफ्ट करके जेरूसलम में कर दिया। तो जेरूसलम को लेकर के क्या इशू है ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम। एंड ये देखिए ये इजिप्ट के बहुत पास है, तो
तो इजिप्ट के साथ में बहुत वॉर होंगी, ठीक है, जॉर्डन होगा इसमें, दूसरे कंट्रीज भी होंगे, एक एक करके वो भी समझेंगे, पूरी इसराइल की टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल को लेकर के क्या इशू है, ये सभी चीजें कवर होंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन से। अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया दिसंबर 2010 में। दिसंबर 2010 में अरब स्प्रिंग आएगा वाना रीजन में। वाना रीजन, वाना रीजन क्या होता है? वाना रीजन इज वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन आएगा, अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन। अनदर नेम ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज जैस्मिन रेवोल्यूशन। इट इज जैस्मिन रेवोल्यूशन। अरब स्प्रिंग में हुआ क्या? इसकी शुरुआत हुई ट्यूनिशिया से। ट्यूनिशिया से, ट्यूनिशिया में क्या होगा कि बहुत ज्यादा, देखिए, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में हम देखेंगे कि डिक्टेटरशिप रहेगी, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप रहेगी, ऐसे हार्ड रूल रहेगा। दूसरा हम देखते हैं 2008 में, क्योंकि सब प्राइम फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पहले ही इन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं थी, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स को लेकर के काफी इश्यूज थे पहले ही। अब और दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ के रूलर्स जो थे, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुका है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई था, तो जिसके चलते पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड। और आपको पता है कि जब भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो यहाँ के स्पेशली यूथ जो थे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक यहाँ पर यूथ होगा, ही विल बी सेटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर। खुद को उसने प्रोटेस्ट के चलते आग लगा दी, एंड यहाँ से प्रोटेस्ट फर्दर एग्रीवेट हुआ। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद पहले ये लोग फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए थे, तो इस इंसिडेंट की वजह से और ज्यादा यहाँ पर हम देखेंगे कि नुकसान होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ट्यूनिशिया कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन। लोग यहाँ पर अब सड़कों पे आ जाएंगे, ठीक है, और डिमांड करेंगे कि ये जो रूलर है यहाँ पर, ये छोड़ दे और डेमोक्रेसी आए इस कंट्री में, जहाँ पर लोग डिसाइड करें सभी चीजें, कि वो ज्यादा बेहतर चीजें इजाद कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी सी वेलकम इन ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया का एग्जाम्पल लेते लेते धीरे धीरे बाकी की जो वेस्ट एशियन कंट्रीज होंगी, बाकी की जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज होंगी, इसमें भी अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया। तो एज मैनी एज 13 कंट्रीज इन दीज रीजन्स विल गो थ्रू अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन। 13 कंट्रीज ऐसी थी जिसमें अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया, और यहाँ पर डिमांड की जाएगी। इसमें काफी कंट्रीज में सक्सेसफुल भी रहा है, जहां पर फेल हुआ वहां पे मैं बता देती हूँ, इट हैज फेल्ड इन सीरिया। सीरिया वाला तो अभी तक भी बना हुआ है, जो 2011 से शुरुआत हुई थी सीरिया में, वो अभी 2019 चल रहा है, अभी तक भी ये टर्मोइल, सिविल वॉर चल रही है। अनदर इज यमन में। यमन में भी अभी हमने देखा कि क्राइसिस आया। जहां पर क्राइसिस नहीं है वो है सऊदी अरेबिया एंड ईरान। और मिडल ईस्ट की, यानी वेस्ट एशिया की, जो दो पावरफुल पावर्स है, हम देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, जो राइवल्स भी हैं, दैट इज सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो वेस्ट एशिया में देखिए किस टाइप के रूल हुआ करते थे। मोनोक्रेटिक रूल थे, डिक्टेटरशिप थी, एंड थियोक्रेटिक रूल थे। थियोक्रेटिक रूल मीन्स कि रिलीजन के बेसिस पे हम देखेंगे कि रूल किया जाएगा। तो मोनोक्रेटिक होता है जब एक सिंगल पर्सन रूल करता है, थियोक्रेटिक होता है जब आप डिवाइन गाइडेंस,
गवर्नमेंट उसके थ्रू बनाते हो, ठीक है। तो वेस्ट एशिया का क्राइसिस की शुरुआत होती है यहाँ पे होली वॉर एंड कोल्ड वॉर के चलते। होली वॉर इज बिटवीन यू नो शिया एंड सुन्नीस, धर्म को लेकर के शिया और सुन्नी के बीच में भी लड़ाई है, यानी मुस्लिम्स में भी लड़ाई है। हम देखते हैं कि होली वॉर हुआ कब था, शुरुआत हुई थी इसकी जब इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होगी। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद में दो गुटों में बट जाएगा इस्लाम, पहला गुट होगा शिया, दूसरा होगा सुन्नी। दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा। शिया ये चाहते थे कि देखिए इनका कोई बेटा नहीं था, प्रॉफिट मोहम्मद का कोई बेटा नहीं था, तो जिसके चलते ये चाहेंगे कि इनके जो सन इन लॉ हैं, लोग ये चाहेंगे इन्हीं के जो सन इन लॉ हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, जिनका नाम था अली, इनको इनका सक्सेसर बनाया जाए। फिर दूसरे लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि सक्सेसर जो भी हो मोहम्मद का, उसको डिसाइपल्स चूज करें, इलेक्ट करें, इस टाइप से चूज किया जाए। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, शिया एंड सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। ये काफी टाइम पहले शुरू हो चुका था, ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसेट हुआ है उसी की वजह से, नहीं। ये चीज हमने तब भी देखी थी जब मैंने, आपको नहीं पता है लेकिन औरंगजेब हमने पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में, तो तब देखा था कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज हुआ करती थी वो यू नो सुन्नी मुस्लिम्स के हुआ लिए हुआ करती थी। औरंगजेब वॉज अ सुन्नी मुस्लिम, और तो वो शिया के प्रति काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। दिस इज व्हाट वी सी। तो हम देखते हैं ये जो शिया एंड सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक टाइप का पावर स्ट्रगल है। रिलीजियस स्ट्रगल ना हो करके इट इज अ पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल कैसे, कि ये चाहते हैं, सुन्नी चाहते हैं कि ये पावर में रहे, इनकी डोमिनेशन हो। मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन अभी देखोगे अगर आप इस्लाम में, तो वो सुन्नी में है, ठीक है। सुन्नी लोग ज्यादा है कंपैरेटिवली वर्ल्ड में। देन वी सी दैट दिस क्रिएटेड टेंशन इन वेस्ट एशिया, यहाँ से टेंशन की शुरुआत होती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ये भी है, विच इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। वेस्ट एशिया में यू नो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ शिया सुन्नी क्लैश। तो हम देखते हैं कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ये इशारा कर रहा है कि इसको रोके जाने के लिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर है इट इज नॉट सफिशेंट इनफ टू यू नो कि यहाँ पर ये जो इश्यू चल रहा है इसको रिजॉल्व किया जा सके, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है। इसीलिए नए वर्ल्ड ऑर्डर की डिमांड की जा रही है। तो जो कोल्ड वॉर था, एक तो होली वॉर के बारे में बात की हमने, दूसरा मैंने आपको बताया था दूसरा जेनेसिस इसका होता है, दूसरा रीजन था इसका कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर में हम देखेंगे कि उस टाइम पे वेस्ट एशिया प्रॉक्सी वॉर बन जाएगा, अभी भी है इनफैक्ट, प्रॉक्सी वॉर की सिचुएशंस है वेस्ट एशिया में। प्रॉक्सी वॉर यानी कोल्ड वॉर टू चल रहा है। कैसे, ठीक है। सीरियन क्राइसिस पे दो कैटेगरीज है, दो ग्रुप्स हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं। पहला आ जाता है सीरियन क्राइसिस में जो सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर अल असद, ठीक है। दूसरी, बशर अल असद जो है ये शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू शिया कम्युनिटी। दूसरी साइड हम देखते हैं सुन्नी रेबल्स हैं, सुन्नी रेबल्स सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये कॉमन पीपल है यहाँ पर, ठीक है। तो सीरिया की डेमोग्राफी कुछ इस हिसाब से है कि सीरिया में यू नो अगर सीरिया में देखो तो 15% लोग ही ऑलमोस्ट ये शिया हैं, ठीक है।
और हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 70 to 75% लोग यहाँ पर सुन्नी हैं। अब मेजॉरिटी में सुन्नी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो पावर है बहुत टाइम से, यहाँ पर मोनोक्रेटिक रूल है, मोनोक्रेटिक रूल है इनका, शिया कम्युनिटी वालों का। बशर अल असद से पहले इनके फादर थे, उसके बाद ईयर 2000 से बशर अल असद यहाँ पर रूल कर रहे होंगे सीरिया को। तो ये शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जब अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया तो सेम डिमांड सीरिया से भी की गई कि क्योंकि 75% मेजॉरिटी वाले अलग हैं, सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की डिमांड की जाने लगी। बट ये अपने स्टांस को बहुत पकड़ के रखेंगे एंड ही इज नॉट रेडी टू गिव अप हिज पावर। यहाँ से इसमें शुरुआत होती है। अब बहुत सारे रीजंस है कि आज के टाइम पे ये इशू इतना एग्रीवेट क्यों हुआ है, तो धीरे धीरे करके कवर करेंगे, बट फिलहाल आपको ये चीज याद रखनी है। तो हम देखते हैं इस केस में, बशर अल असद और सुन्नी रेबल्स के केस में इनका साथ कौन कौन दे रहा है। बशर अल असद के सीरिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं रशिया के साथ, रशिया के साथ में। रशिया का इनफैक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर है सीरिया, डिफेंस पार्टनर है। इसके अलावा सीरिया में रशिया का नेवल बेस भी है, तो उस हिसाब से भी रशिया के साथ में काफी अच्छी इनकी डीलिंग है। तो हम देखते हैं रशिया है एक साइड में जो बशर अल असद को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये शिया है। वेस्ट एशिया में एक और शिया कंट्री है जो कि अदर राइवल राइवल कंट्रीज में आती है वेस्ट एशिया में, विच इज ईरान। ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो ईरान भी बशर अल असद को सपोर्ट करती है कि इन्हीं को पावर में होना चाहिए। तो रशिया एंड ईरान यहाँ पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरा हम देखेंगे कि सुन्नी रेबल्स के साइड में सुन्नी है यहाँ पर, यहाँ यूएसए सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज यूएसए इज अ बिग सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यूएसए का कहना है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए यहाँ पे। आपको पता है कि यूएसए डेमोक्रेसी क्यों यहाँ पर प्रमोट करेगा, बिकॉज यूएसए वॉन्ट्स की डेमोक्रेसी अगर यहाँ पर आएगी, उसके चलते वो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, बिल्कुल ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ऐसा इस सिनेरियो बनेगा इस कंट्री में जिससे यूएस को फायदा होगा, जिससे कहीं ना कहीं यूएस को बहुत फायदा होगा। तो ये बात यहाँ पे की जाती है। सो व्हाट वी सी इज कि दिस इज दिस सिचुएशन इन सीरिया। नॉट जस्ट दिस, देन वी सी दैट इसके अलावा अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर यूएसए के अलावा इसको सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, और साथ ही साथ वेस्ट एशिया में इन दोनों की राइवलरी है, इन दोनों की राइवलरी है कहीं ना कहीं। जैसे एशिया में हम देखते हैं इंडिया एंड चाइना की राइवलरी मानी जाती है कहीं ना कहीं, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर वेस्ट एशिया में ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में राइवलरी है, और सऊदी अरेबिया को यूएसए सपोर्ट करता है। हम देखते हैं कि सुन्नी रेबल्स को जिताने के लिए ये जो सऊदी अरेबिया है यहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशंस प्रोवाइड करता है, आर्म्स एंड एमिनेशंस। लेकिन दिक्कत यह है कि ये चीज रिजॉल्व नहीं हो रही है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व। वाई? बिकॉज वी सी दैट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सऊदी अरेबिया, देखिए यूएसए ने भी कुछ यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए स्पेशल एक्शंस नहीं लिए हैं, रशिया तो अपना मेंटेन करके यहाँ पर बैठा ही हुआ है। तो अगर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं ये खुद डिवाइडेड है सीरिया को लेकर के, ये भी रीजन है कि यहाँ पर सक्सेसफुली
यहाँ पे कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। अब बात तो ये भी की जा रही है कि रशिया और यूएसए को होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। तो ये जो दो गुटों में यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर चल रही है एक्चुअली में, सो इट इज नोन एज प्रॉक्सी वॉर। सीरियन क्राइसिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सी वॉर काइंड ऑफ यहाँ पर चल रही है। तो हम देखते हैं वेस्ट एशिया की सिग्निफिकेंस क्या है। वेस्ट एशिया एनर्जी सिक्योरिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो सभी कंट्रीज हैं ये क्रूड ऑयल में काफी रिच हैं। हम देखते हैं इस रीजन में वर्ल्ड का 70% ऑयल यहीं पे प्रेजेंट है। दूसरा, कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखो तो वेस्ट एशिया अफ्रीका को यूरोप के साथ में कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को रेड सी के साथ में कनेक्ट करता है। कहीं ना कहीं मरीन कनेक्टिविटी के चलते हमें यहाँ पर फायदा दिखता है। वाई सऊदी अरेबिया सपोर्टिंग द रेबल? राघव, आई जस्ट टोल्ड यू, ये सुन्नी रेबल्स हैं। सऊदी अरेबिया खुद एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। तो यहाँ पर आ जाती है होली वॉर का एंगल, जिसमें हम देखते हैं कि एक दूसरे के लिए मतलब शिया और सुन्नी के बीच में वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पावर स्ट्रगल का, हु विल डोमिनेट, दैट्स वाई। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सपोर्टिंग द सुन्नी रेबल्स, बिकॉज ये शिया के हैं। तो सऊदी भी चाहता है कि सीरिया एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, तो सुन्नीज यहाँ पर रूल करें। दूसरा, हम देखते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी वाइज भी वेस्ट एशिया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरब स्प्रिंग की रेवोल्यूशन के चलते हम देखेंगे कि ये जो रीजन है वेस्ट एशिया, आज के टाइम पे ग्लोबल एपिसेंटर बना हुआ है इंस्टेबिलिटी का। यहां से इंस्टेबिलिटी जो शुरुआत हो रही है ये धीरे धीरे बाकी सभी कंट्रीज पे भी असर डालना शुरू करेगा, ठीक है। तो इट इज द ग्लोबल एपिसेंटर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हमें देखने को मिलता है कि शिया और सुन्नी का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है धीरे धीरे, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है। एट द सेम टाइम इसके स्पिल ओवर इफेक्ट आसपास के रीजन्स पे भी होंगे, जिसका असर पड़ेगा ट्रेड पे और बाकी कंट्रीज की ग्रोथ पे भी पड़ेगा। नॉट जस्ट दिस, हम देखते हैं कि एपिसेंटर वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया से ही शुरुआत हुई है आइसिस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। आज के टाइम पे आइसिस को डील करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टेररिज्म इतना बढ़ गया है। सो वी सी दैट कि जैसे अमेरिका की जब हेजीमनी थी, हेजिमनी वॉज देयर इन अमेरिका, एंड 2000 में हम देखेंगे देयर वॉज दिस हेजिमनी, और 2000 के बाद 2001 में जब अटैक होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, सितंबर 11 अटैक, उस अटैक के चलते हेजिमनी डिक्लाइन साफ साफ इस पे फ्रंटल अटैक होगा यूएसए की हेजिमनी पे। तो ये भी टेररिस्ट अटैक था। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है ये टेररिस्ट अटैक इधर उधर सभी कंट्रीज में हो रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हम देखेंगे न्यूजीलैंड और इन सभी कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप की कंट्रीज में भी ऐसे अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ग्रोथ और वहाँ की सिक्योरिटी पे भी असर पड़ रहा है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी वाइज वेस्ट एशिया इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज इसके स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेस्ट एशिया व्हाई इट इज अ ग्लोबल नोड ऑफ फायर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के बाद की बात है, वेस्ट एशिया की बाउंड्रीज प्रॉपरली डेमार्क्रेट नहीं की गई। जब डेमार्क्रेशन हुआ था इसका, कि बाउंड्रीज बॉर्डर डिसाइड किए जा रहे थे वेस्ट एशिया के, तो डेमोग्राफी के एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा गया, जैसे कि हम देखते हैं सीरिया के केस में। इस तरीके से कंट्रीज को बनाना चाहिए था, जहाँ पर शिया डोमिनेटेड है उसकी कंट्री हो जानी थी, जहाँ पर सुन्नी डोमिनेटेड रीजन्स हैं उनकी एक कंट्री हो जानी थी, जिससे कि हो जानी चाहिए थी, जिससे कि प्रॉब्लम ना होती। यमन में भी ऐसा ही कुछ है, यमन जो बना हुआ है उसका बाउंड्री में भी सेम चीज है कि आपस में दो गुट फाइट कर रहे हैं, पावर स्ट्रगल यहाँ पर चल रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है वेस्ट एशियन कंट्रीज में, कि प्रॉपर डेमार्क्रेशन नहीं हुआ, डेमार्क्रेशन करते टाइम डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया गया।
लाइक आई हैव डिस्कस्ड, अरब स्प्रिंग के रेवोल्यूशन इज अगेंस्ट द डिक्टेटर्स, इट इज अगेंस्ट द डिक्टेटर्स वॉर्नर रीजन में, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। यहाँ के लोकल पीपल ने की थी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड डिक्टेटरशिप रूल। अरब स्प्रिंग का ओरिजिन हुआ, बहुत सारे रीजंस थे जिसके बीच पीछे। सबसे पहले तो था पॉलिटिकल रीजन, यहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, डिक्टेटर्स थे, डेमोक्रेसीज नहीं थी इन रीजन्स में। इकोनॉमिक रीजन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, पुअर रिकवरी बहुत कम हो रही थी यहाँ पर 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। दूसरा हम देखते हैं सोशल रीजन भी था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा हमें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, दैट इज आपस में जो सिविलाइजेशंस है क्लैश कर रही हैं, जैसे शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, जूज और इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, जूज और इस्लाम या फिर अरब कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा हम देखते हैं रिलीजियस रीजन भी है, धीरे धीरे फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बहुत बढ़ गया है, जिहाद बहुत बढ़ गया है, गोइंग बैक टू द अर्लियर नॉर्म्स, इस तरीके की चीजें सामने आ गई हैं, जैसे कि आइसिस खुद सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, कंट्री नहीं सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है, सुन्नी सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है, तो ये सुन्नी रेबल्स को हमेशा सपोर्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ के जो सुन्नी रेबल्स हैं, ठीक है, ये मानते हैं क्योंकि रशिया और यूएसए जैसी जो कंट्रीज है दे वर नॉट एबल टू मतलब रिजॉल्व दिस इशू, इसीलिए इनका मानना है कि इनसे कुछ फायदा नहीं होगा, इनको अगर कोई बचा सकता है, इनको कोई अगर लाइफ ऑफ डिग्निटी दे सकता है, क्योंकि सिविल वॉर के चलते देखिए लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। एक एक लंबे टाइम तक अगर सिविल वॉर चलता है तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सुन्नी रेबल्स का यही चीज कहना है, सुन्नी रेबल्स आर ऑफ दिस ओपिनियन बेसिकली कि इट इज बेटर कि आइसिस जैसी कंट्री इनको मसीहा की तरह आकर के इनको हेल्प करते। तो इसीलिए जो यहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशन सऊदी अरेबिया इनको प्रोवाइड करता है सुन्नी रेबल्स को, ये सुन्नी रेबल्स इस आर्म्स और एमिनेशन को आइसिस को दे देते हैं और आइसिस इसका यूटिलाइज करता है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, क्योंकि यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ भी है, तो ये लोग खुद टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं ऑन वन हैंड, और दूसरी जगह पे ये आइसिस के साथ भी फाइट कर रहे हैं। तो ये पूरा यहाँ पर मैस क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। यस, देखिए आइसिस का एम क्या है ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। इस्लामिक स्टेट बोलते हैं इसको, इस्लामिक स्टेट, वी सी दैट इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पहले इसको आइसिस को दूसरे नाम से जाना जाता था, आइसिल नाम से जाना जाता था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवरांत नाम से जाना जाता था। अभी इंडिया में भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में भी सेम चीज रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट एक्चुअली दे रियली वांट, आइसिस की डिमांड्स क्या है, या आइसिस किस चीज के लिए लड़ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। इस्लामिक स्टेट में ये बोला जाता है कि बहुत सारे साइकोपैथ्स हैं, एक रिलीजियस ग्रुप है जो कुछ एक बिलीव्स होते हैं उनको कंसिडर करता है, एंड दैट यहाँ से एक अपोकलिप्स आने की आशंका है, यहाँ से पूरा एमिनेट होने की आशंका है, यहाँ से फर्दर पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस्लामिक स्टेट कहाँ से आया है, क्या इंटेंशंस है, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्यू वेस्टर्न लीडर्स दे सीम टू नो द आंसर, इस्लामिक स्टेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2010 में इट वाज अबू बकर अल बगदादी, ठीक है, ये इनके लीडर हैं 2010 से, ठीक है, एंड ही विल बी द फर्स्ट वन, लाइक 2010 से जहाँ से शुरुआत होगी। तो हम देखते हैं कि इस्लामिक स्टेट को पहले आइसिल नाम से जाना जाता था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेबनान नाम से। ये एक सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप है विद पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, वॉलेंट आइडियोलॉजी है इनकी, ये अपने आप को खलीफेट बोलते हैं, मतलब सबसे सुप्रीम, और ये क्लेम करते हैं सारे मुस्लिम्स पे रिलीजियस अथॉरिटी। ये एक्चुअली आइसिस जो है आज के टाइम पे ये अलकायदा से इंस्पायर्ड है,
लेकिन इसको अलकायदा से एक्सपेल कर दिया गया था, दैट्स व्हाई वी सी दैट। ठीक है, तो व्हाट वी सी इज यहाँ पे इनके थ्रू टेररिज्म बहुत किया जाता है, ये रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, बहुत सब चीज़ें, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट में रीजनल प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। नेक्स्ट थिंग इज यू नो दिस इज अबाउट आइसिस। अनदर थिंग दैट वी सी इज कि गोल क्या है। देखिए, आइसिस ने जो दूसरे जिहादिस्ट ग्रुप्स को वर्ल्ड वाइड ये चीज यू नो दे मस्ट एक्सेप्ट, ये गोल है कि उनकी सुप्रीम अथॉरिटी एक्सेप्ट करें जितने भी वर्ल्ड में जिहादिस्ट ग्रुप हैं। एंड हम देखते हैं इनके अब राइवल थे अलकायदा नेटवर्क। ठीक है, ज्यादातर हम देखेंगे कि आइसिस है फिलहाल इस टाइम पे जो डोमिनेंट है। ठीक है, एंड आइसिस चाहता है कि ये भगवान का जो रूल था धरती पे उसको रिस्टोर करेगा। ठीक है, एंड आइसिस वांट्स टू इरेडिकेट दोज ऑब्स्टेकल्स जिसकी वजह से भगवान का रूल नहीं हो पाया है। ठीक है, स्पेशली अल्लाह का जो भी रूल था, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को डिफेंड करने की बात करता है। एंड इसके अलावा इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है यूएस लेड कोएलिशन के साथ में, दिस इज व्हाट वी सी। एंड इन ये चाहते हैं शारिया लॉ को एस्टैब्लिश करना, इम्पोज करना। शारिया लॉ से इसमें होता क्या है कि स्कूल्स में भी बॉयज एंड गर्ल्स अलग रहें, वेमेन को निकाब पहनना चाहिए, एंड पूरा मतलब बुरखा पहनना चाहिए पब्लिक में भी। शरिया लॉ में बहुत सारे ब्रूटल ब्रूटल लॉज हैं जिसमें म्यूजिक को बैन किया जाए और रमजान के महीने में फास्ट हो पूरे वर्ल्ड में, इस तरीके के जो इनके आइडियाज हैं उनको ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं आइसिस का ओरिजिन होता है सेक्टेरियन लाइंस में। सेक्टेरियन लाइंस पे यहाँ पर शिया सुन्नी एंड कुर्द के बीच में काफी अनरेस्ट था। तो आइसिस जैसे मैंने आपको बताया सुन्नी डोमिनेटेड है, ये प्रेजेंट इराकी गवर्नमेंट जो है दैट वाज पुट इन प्लेस बाय वेस्ट बाय यूएसए इन इराक सद्दाम हुसैन की रिमूवल के बाद। इनको पहले देखिए इराक के साथ वॉर हुई, ठीक है, सद्दाम हुसैन को सुन्नी थे बेसिकली, इनको हटाया गया। एंड यहाँ से जो नए यहाँ पर गवर्नमेंट लाई गई, ठीक है, तो जो नई गवर्नमेंट लाई गई यहाँ पर, वैसे तो डेमोक्रेसी के नाम पे यूएसए ने यहाँ पर इराक में एंट्री की, सुद्दाम हुसैन यहाँ के तेल के कुएं वगैरह जला रहे थे और इस नाम पे ये एंट्री करेंगे कि ऑयल की बहुत जरूरत है पूरे वर्ल्ड को, असेंशियल कमोडिटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते मैनकाइंड के साथ में, ह्यूमैनिटी के साथ में। एंड देयर फोर यूएसए स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन इराक। सो व्हाट वी सी इज कि यूएसए ने यहाँ पर एक दूसरी गवर्नमेंट इंस्टॉल की सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट के हटा करके, इसको हटा करके, एंड जिसके चलते जो सुन्नी पॉपुलेशंस हैं उनके जो राइट्स थे उनको डिप्राइव किया काफी। इनफैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है अभी सद्दाम के बाद, सद्दाम हुसैन के बाद, पहले यहाँ पर सुन्नी हुआ करते थे, अब देर इज अ बैलेंस ऑफ पावर जहाँ पर शियास पावर में है अभी इराक में। सो व्हाट वी सी इज कि द ग्रुप एक्सप्लॉइटेड अ ग्रोइंग परसेप्शन अमंग मेनी सुन्नीस दैट दे वर बीइंग परसिक्यूटेड बाय द शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट व्हिच वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आईसीएस की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है इराक में, एक ग्रुप आया जिनको ये लगा कि हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि आप शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट है इराक में, तो ये परसिक्यूट कर रही है हमको, रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, और हमको पावर से मतलब पावर नहीं दी गई, ये सब इशूज है। जिसके चलते बहुत सारे जो सुन्नी पॉलिटिकल फिगर्स थे, इन सीनियर थे, इनको अरेस्ट किया गया, इनको अरेस्ट किया गया यहाँ पर। एंड यहाँ से शुरुआत होगी बेसिकली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइसिस की फॉर्म में शुरुआत होगी, पहले तो इराक से शुरू होगा और धीरे धीरे करके सीरिया में भी एड अप कर देंगे, इनको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं,
ट्रेनिंग मिली अलकायदा से, ऑल्दो इसको एक्सपेल कर दिया गया बाद में। तो आईसिस का एक्सपेंशन अभी इस टाइम पे बहुत हो गया है, बिकॉज यू नो इट कंप्राइज ऑफ, नाउ वी सी दैट इस्लामिक स्टेट ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इराक और सीरिया तक है, वी सी दैट इराक में भी है, सीरिया में भी है, बाकी सभी कंट्रीज में है, ठीक है, इंक्लूडिंग अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका अफ्रीका तक है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे मिडल ईस्ट में एक्सपांशन हो रहा था, एंड यू नो एक ग्लोबल फोर्स की तरह ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था। एंड इस्लामिक स्टेट ग्रुप जो है इसको ग्लोबल अटेंशन मिली 2014 में, पहले नहीं मिल रही थी 2014 में, क्योंकि एक सिटी होगी मोसूल, इराक की सिटी है, विच वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इराक। मोसूल को ये ऑक्यूपाई कर लेंगे यू नो, और वहाँ से अपनी खलीफेट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इनकी टेरिटरीज बढ़ी, इराक में, सीरिया में, सब जगह इनकी टेरिटरीज बढ़ जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, बहुत सारे ऑयल पाइपलाइंस हैं जो कि आईसिस के अंडर में है, तो ब्लैक मार्केट में ये सेल करके वहाँ से फंड रेज करते हैं अपने लिए, ठीक है, वहाँ से पैसा वैसा इनका आ जाता है। तो इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप की अगर हम बात करें तो जिसको आईसिस बोलेंगे हम, ये अपना एक खलीफेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ओवर द लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनका मानना है कि पूरा वेस्ट एशिया, पूरा यूरोप, और इनफैक्ट यू नो काफ़ी हद तक यूरोप एंड अफ्रीका, नॉर्थ का अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, इंडिया में पूरा, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में ये क्लेम करते हैं खलीफेट इस्टेब्लिश करने की, इंडिया में भी ये लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट आईसिस का अगर इन्फ्लुएंस देखें इंडिया में, तो इंडिया में मुस्लिम्स हैं ऑलमोस्ट 170 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में 14.9% मुस्लिम्स हैं पॉपुलेशन, एंड विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में उसके बाद अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो है इंडिया में, इंडिया में है। सो यू नो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, मुस्लिम्स इतने हैं। तो व्हाट वी सी इज कि इंडिया हमेशा से रडार पे रहता है जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसकी वजह से थ्रेट बहुत टाइम बढ़ जाता है, और इंडिया मेजर टारगेट है आईसिस का, अलकायदा का भी मेजर टारगेट रहा है, क्योंकि इंडिया में यू नो बहुत ज़्यादा मुस्लिम डायस्पोरा है, दैट्स वाई। तो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं मुस्लिम कंट्री के साथ में, जैसे पाकिस्तान के साथ में, और इंडिया एक्सपीरियंस वायलेंट क्लैशेस, इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में भी रेगुलर बेसिस पे वायलेंट क्लैशेस होते रहे हैं। सो व्हाट वी सी इज कि इसके चलते एक स्टेबल ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है जिहादिस्ट रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए इंडिया से, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर, सभी बेसिक्स भी हैं कि आपस में वायलेंस होता है, तो आसानी से जो मुस्लिम यूथ है दे कैन बी रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट हिंदूज, और यू नो इनको आईसिस अपने कामों के लिए रिक्रूट कर लेता है। तो इंडिया ऐसी 19 रीजन्स हैं जिसमें से इंडिया भी इनके टारगेट में आता है, इस्लामिक स्टेट के टारगेट में आता है। तो इंडिया के अगेंस्ट में इन्होंने ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट ने जो एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ में टाई अप करना शुरू कर दिया है, ताकि जो इंटेंसिटी है बढ़ाई जा सके इस थ्रेट की, और काफी बढ़ भी गई है इनफैक्ट। तो आईसिस ने ये कसम खाई है कि इंडिया को वो एक खुरासन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, ये बेसिकली इन्होंने कसम खाई है। व्हाट इज इस खुरासन स्टेट? खुरासन स्टेट बोलते हैं इसको, तो खुरासन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा इंडिया को, ये चीज़ इन्होंने कसम खाई है, ठीक है। और
हम देखते हैं कि इन्होंने मैप भी पब्लिश किया था खुरासन का, जिसमें इस्लामिक स्टेट जिहादिस्ट ग्रुप ने अनाउंस किया था कि एक प्रोविंस बनाएंगे ये, जिसका नाम होगा खुरासन, जिसका हिस्टोरिक नेम खुरासन है बेसिकली। और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको मिलकर के ये पूरा एक स्टेट बनेगा। एंड आइसिस की एक्सपेंशन, आइसिस खलीफेट की खुरासन में रहेगी, ठीक है। एंड हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने अपनी एक नई ब्रांच भी डिक्लेयर की है कि फॉर्म करेंगे ये अपनी आइसिस की। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दिस रीजन खुरासन डिपिक्टेड एज दिस होल रीजन जिसको खुरासन बोलते हैं, इट इज अ फर्टाइल एरिया, टू रिक्रूट पीपल। ये पूरा क्योंकि अफगानिस्तान में देखिए टर्मोइल है, पाकिस्तान तो हम जानते ही हैं कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है, फिर इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स की वजह से हम देखेंगे कि आसानी से लोग हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये पूरा जो एरिया है खुरासन एरिया, कहीं ना कहीं यहाँ पर इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड, इट्स अ फर्टाइल एरिया। अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली विद इंडिया स्मॉल पॉपुलेशन रहेगी। सेक्युलर इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो देखिए पाकिस्तान में तो बहुत रिक्रूट्स हुए हैं और ये सभी चीज़ें, हमारे इंडिया में अभी तक कोई रिक्रूट्स ऐसे नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन भी है इंडियन मुस्लिम्स की, माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है इन अ मेजोरिटी हिंदू कंट्री, तो रिकंसाइलेशन पे भी काम चल रहा है, माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है, बहुत कुछ हो रहा है मतलब बेसिकली। तो ये चेंज करना चाहते हैं इस सिनारियो को। तो इस्लामिक स्टेट की एक मार्च हुई थी इराक में लास्ट ईयर, उसमें ये चीज़ पब्लिश की गई थी कि रिक्रूट कर रहे हैं ये, और अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, इंक्लूडिंग दे वर रिक्रूटिंग इन ऑल दीज लैंग्वेजेस। हिंदी में ये रिक्रूटमेंट कर रहे थे, हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे, उर्दू यूज कर रहे थे, तमिल यूज कर रहे थे, जितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं उन लैंग्वेजेस में ये पब्लिश्ड थे रिक्रूटिंग मटीरियल्स। और जिसके चलते एटलीस्ट चार ऐसे इंडियंस थे जो इराक में गए एज फाइटर्स, एंड यानी कहीं ना कहीं यहाँ से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इंडिया से स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ कश्मीर में भी हमें इनके इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। कश्मीर जो रीजन है इंडिया पाकिस्तान दोनों क्लेम करती हैं, जिसके चलते यहाँ पर मिलिटेंट्स का काफी प्रेजेंस रही है कश्मीर में। सो यहाँ पर भी बहुत सारे यंग मुस्लिम्स हैं जो आसानी से रेडिकलाइज हो जाते हैं, एंड बट एट द मोमेंट इट डज नॉट सीम अ लार्ज स्केल थ्रेट। इतना व्हाट वी सी इज इंटेलिजेंस एंड पुलिस सोर्सेस के थ्रू इंडिया कश्मीर में जो भी, जैसे मान लीजिए कश्मीर में आइसिस के फ्लैग भी देखने को मिले हैं। वैसे बाय द वे श्रीनगर में जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल हुआ करती थी, सो फ्लैग्स भी देखने को मिले हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की इकलौती मुस्लिम मेजोरिटी रीजन जो है, दैट इज कश्मीर, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से फ्लैग्स रेस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट इस्लामिक स्टेट ये भी ट्राई कर रहा है कि मुस्लिम्स को कैसे भी ल्योर किया जाए इंडिया से, इंडिया में, क्योंकि इट मेक्स अप दी वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन। बट वी सी दैट नहीं, आफ्टर दिस इंडोनेशिया इट इज गोइंग टू बी इंडिया। सो व्हाट वी सी इज कि काफी इंटरेस्ट है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट का इंडिया में, एंड इंडिया इज अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट ऑब्वियसली, ठीक है। इनफैक्ट रिसेंटली जब इस्लामिक स्टेट ने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर की थी अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में, अभी वो पाकिस्तान पे भी फुटहोल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, पीओके की। तो जो डेंजर है वो
वो तो रहेगा, लेकिन इंडिया को बहुत ही क्विकली एक्ट करने की जरूरत है इसके अगेंस्ट में. एंड सबसे बिगेस्ट जो नीड है ऑफ द आवर वो है टू गेट यूनाइटेड टू ओवरकम दिस रेडिकल थ्रेट. और इस पर्पस के लिए वी यू नो फॉर दिस पर्पस जो पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट फ्रॉम यू नो द बेसिकली वो उनको साथ में आना चाहिए. सारे ऑर्गेनाइजेशंस को दे शुड डिसाइड टू फॉर्म इंडिया अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट मास मूवमेंट, ताकि टेररिज्म के रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस क्रिएट की जा सके. मेन एम रहेगा मूवमेंट का कि अवेयरनेस लानी चाहिए, यू नो ये जो जिहादी टेररिज्म हो रहा है इसके चलते क्या क्या नुकसान होंगे, तो इससे लोग अवेयर रहेंगे, दे विल नॉट गेट रेडिकलाइज्ड. और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए इंडिया को, जितने एरियाज हैं जिसको लेकर के फ्रस्ट्रेशन रहती है, उन एरियाज पे फोकस किया जाए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे. बिकॉज यूथ अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाई है इंडिया में भी, सो वी सी दैट ये लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो ऐसे में दे कैन गेट इजीली रेडिकलाइज्ड. तो हम देखते हैं कि आईसीएस की क्या स्ट्रैटेजी है फॉर इंडिया. पहली स्ट्रैटेजी जो पॉसिबल स्ट्रैटेजी है आईसीएस की वो ये है कि टेररिज्म इंडिया में फैलाया जाए, ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप साथ में यहाँ पे कंबाइन किए जा सके. और दूसरा हम देखते हैं कि जो आईएसआई है ये भी सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान का आईएसआई यहाँ पर इनको इस्लामिक स्टेट. सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू जो आइसिस यहाँ पर एक्सप्लॉइट करता है, जो भी लोग एलियनेट हो जाते हैं आइसोलेशन में रहते हैं उनको रिक्रूट करता है सोशल मीडिया के थ्रू. तो ये तो हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर भी किया है यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज चैलेंजिंग है काफ़ी, ठीक है. एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आप इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं लिबरलिज्म की, डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो. तो आइसिस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दिस इज अ प्राइस, ये आइसिस के फेवर में काम कर सकता है, ठीक है. सो व्हाट वी सी इज पॉसिबिलिटी यही है कि यूएस और उसके एलाइज जो भी इंडिया के साथ में हम देखेंगे खड़े हैं, उनको भी उनके अगेंस्ट में भी कहीं ना कहीं उनको भी टेररिस्ट थ्रेट्स यहाँ पर, अगर ये कोऑपरेट करते हैं तो स्पेसिफिकली इस पे एम कर रहे हैं. तो इट इज मोर लाइकली दैट इंडियाज फाइट फॉर इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजिलियंस एंड कैपेसिटी. इंडिया इज गोइंग टू फाइट फॉर दैट. एंड इनफैक्ट इस्लामिक स्टेट की एक ऑनलाइन जिहादिस्ट प्लेटफॉर्म है एंड उसमें डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट हैं जो कि वेपन्स को वर्शिप करते हैं, एंड ही इज प्रिपेयरिंग हिज पीपल फॉर अ फ्यूचर वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स. इस तरीके से इन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लिखा है. यस राघव, ये नहीं पता आपको आईएसआई एंड आईसिस इज डिफरेंट. आईएसआई जैसे हमारी रॉ है ना इंडिया की, वैसे ही इनकी आईएसआई है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की. ये लोग टेररिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं इसके चलते. दिस इज व्हाट वी कॉल देम एज. आईएसआई की मदद से ही बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो इंडिया में अटैक्स किए जाते हैं. तो इंटेलिजेंस में जैसे ये रहता है बिल्कुल जैसा इंडिया रॉ में करता है, बिल्कुल सेम है आईएसआई में. आईसिस इज डिफरेंट. आईसिस की शुरुआत हुई है वेस्ट एशिया में, ये चीज याद रखनी है. ओके, तो काफी चीजें की जा सकती हैं आईसिस से रिलेटेड. आई विल बी गिविंग यू अ सेपरेट पीडीएफ, ठीक है. बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है इसको काउंटर करने के लिए, क्या एम्स हैं इनके, क्या चीजें हैं, ये चीज हाईलाइट की जा सकती है. एनीवेज लेट्स गो टू टाइमलाइन ऑफ अरब स्प्रिंग. 2010 में शुरुआत हुई थी ट्यूनिशिया से, धीरे धीरे करके जनवरी में इजिप्ट में होगा, उसके वहां पर भी हम देखेंगे कि ये हुस्नी मुबारक का रूल होगा,
उसको भी आउट किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जनवरी 2011 में अल्जीरिया में, यमन, लेबनान, जॉर्डन सभी कंट्रीज में अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आएगा। एंड उसके बाद दूसरी कंट्रीज में आएगा बहरान, लीबिया, मोरक्को, इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड कुवैत। तो 2 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज में हम देखते हैं कि अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि जो सीरिया में अरब स्प्रिंग आया और जो बाकी सब कंट्रीज में आया उसमें क्या डिफरेंस था, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखिए अरब स्प्रिंग जो रेस्ट कंट्रीज में था वहां पर सक्सेस मिला, मतलब लोग चाहते थे कि रूलर्स को हटा करके पावर में आए, वो लोग आ गए पावर में। ठीक है, रूलर यहाँ से हटाए गए लिबिया, ट्यूनिशिया, इजिप्ट जैसी कंट्री में। लेकिन अरब स्प्रिंग जो सीरिया में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं मिला, इमीडिएटली कोई सक्सेस नहीं मिला। इनफैक्ट सिविल वॉर स्टार्ट हो गई जो अभी तक भी चल रही है, प्रोटेस्टर्स के बीच में और सरकार के बीच में अभी तक भी सिविल वॉर चल रही है। पहली चीज तो हमको ये देखने को मिलती है। सेकेंड हम देखते हैं कि सीरिया एक डिवाइडिंग नोड बनती है ईस्ट एंड ग्लोबल वेस्ट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ग्लोबल पावर के बीच में। एक जगह यूएसए है, एक जगह रशिया है, दोनों अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके की कोल्ड वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। रशिया एंड यूएसए डायरेक्ट वॉर में ना हो करके इसके थ्रू वॉर में कहीं ना कहीं हमको दिख रहे हैं। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर दूसरी कंट्रीज में लड़ रही है इनडायरेक्टली। देन नेक्स्ट वी सी इज कि ग्लोबल पावर्स पे यहाँ पर इंटरेस्ट अलाइन थे, सभी ग्लोबल पावर्स चाहती थी कि इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी आए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सीरिया में ये अलाइन नहीं है। सीरिया में जो ग्लोबल पावर्स हैं इनके बीच में डिवाइड है, ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड है। तभी हम देखते हैं कि रशिया एंड यूएसए के बीच में डिवाइड है। तो हम देखते हैं कि बाकी सब जो कंट्रीज हैं उसमें क्योंकि सक्सेस आया, दैट इज वाई इट डिड नॉट बिकम अ जोन ऑफ एगेनी, यानी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, ये जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन पाया। मोस्टली यहाँ पर जो डिवाइड है, हियर द डिवाइड इज बाइपोलर, दैट इज द गवर्नमेंट एंड द सिविलियंस। यहाँ पर जो डिवाइड था, यहाँ पर जो लोग फाइट कर रहे थे, एक जगह सरकार थी, दूसरी जगह सिविलियंस थे जो अपने डिमांड्स कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सीरिया में अलग है, यहाँ पर बाइपोलर नहीं है, सीरिया में मल्टीपोलैरिटी है। सीरिया में सिविलियंस भी फाइट कर रहे हैं, रेबल्स भी हैं, प्रोटेस्टर्स भी हैं, आइसिस भी है। देखिए हमें देखने को मिलता है कि आइसिस भी रहेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ देखिए लोग कभी नहीं चाहते कि इस तरीके से सिविल वॉर रहे, कॉमन मैन स्पेशली। तो हम देखते हैं कुछ रेबल्स हैं, कुछ ऐसे एक्टिव ग्रुप्स हैं रेबल्स में जो कि डिमांड कर रहे हैं इसकी। तो बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपोलैरिटी सारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप हो गई, मिक्सड अप हो गई। यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स की कोई प्रेजेंस नहीं है। सीरिया में इसीलिए भी दिक्कत हुई क्योंकि यहाँ पर आइसिस की प्रेजेंस है, विच इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज में अपना होल्ड एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज सीरिया, एंड दिस हैज ऑल्सो बिकेम एबल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ कैप्चरिंग ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड रिफाइनरीज। फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है ये बिकॉज बहुत सारे ऑयल फील्ड्स एंड रिफाइनरीज इसने कैप्चर किए हुए हैं जिसके थ्रू इसको फंडिंग मिलती रहती है। तो सीरियन क्राइसिस के बारे में अगर आप पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पर डेमोग्राफी देखेंगे तो क्रिश्चियन कितने हैं 8%, सुन्नीस कितने हैं 74%, और शिया लोग हैं 10%। तो सीरिया की कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफी है क्योंकि 10% जो शिया कम्युनिटी वाले हैं ये माइनॉरिटी में है, लेकिन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल रहता है। और जो सुन्नी कम्युनिटी है जो कि 74% है, इनका हमें देखने को मिलेगा कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसके मुकाबले इनको पावर नहीं दी गई है। दे आर बींग एक्सप्लॉयटेड बाई, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर, दे आर बींग एक्सप्लॉयटेड बाई शिया रूलर, शिया रूलर्स इनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। देखिए 2000 से पहले बशर अल असद के फादर थे बाथ पार्टी से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडर थे, तब से वो पावर में थे। उन्होंने यहाँ पर
मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सभी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ ही साथ ये सुन्नीस पे कंट्रोल रखते थे विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, एंड ये सुन्नी लीडर्स को प्रिजन में रखा करते थे बेसिकली सीरिया के। दूसरा हम देखते हैं 2000 से लेकर के 2011 तक, अब आएंगे इनके बेटे बशार अल असद, ये प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जब प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने डेमोक्रेटिक रूल स्टार्ट किया, इन्होंने जो भी प्रिजनर्स थे उनको फ्री किया यहाँ से, और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की सीरिया में। लेकिन 2011 में, क्योंकि उस टाइम पे रेवोल्यूशन आ गया, तो इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन या जैस्मिन रेवोल्यूशन के चलते जो सीरिया के सिविलियंस थे, क्योंकि मेनली ये सुन्नीस थे, ये प्रोटेस्ट करना इन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और इन्होंने ये डिमांड किया कि बशर अल असद को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। पहले तो असद ने इनके साथ में रिकनसाइलेशन अप्रोच रखी कि ठीक है, मतलब लेट्स रिकनसाइल, और मतलब सब कुछ तुम्हारे भलाई में ही होगा टाइप्स। लेकिन आगे हमें देखने को मिलेगा कि ये भी रेबल को फाइनली एक स्ट्रॉन्ग हैंड से अपने फादर की तरह कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से पूरा क्राइसिस की शुरुआत होगी सीरिया में। तो सीरिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है आज के टाइम पे? सबसे पहले तो देखिए, सीरिया जो है टर्की, इसराइल, ईरान, लेबनन, इराक, इन सभी देशों में के सेंटर में है, तो कनेक्टिविटी इनकी प्रोवाइड करता है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर सीरिया में रशिया का नेवल बेस है टर्टोस में, विच इज इन सीरिया, जिसके चलते रशिया जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं, ये जो कंट्रीज हैं जैसे, इसके थ्रू, ये नेवल बेस के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ से कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड देन वी सी दैट यहाँ से ईस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका बहुत सारा ऐसे ट्रेड यहाँ से जाएगा, ठीक है, दिस स्विस कैनाल से। देन वी सी दैट इट इज वेल कनेक्टेड विद ऑयल रिच कंट्रीज, जैसे इराक के साथ में कनेक्टेड है, देन वी सी ईरान के भी काफ़ी पास है, सऊदी अरेबिया के देखिए कितनी पास है सीरिया। दूसरा, इट इज़ कनेक्टेड विद द मेडिटेरेनियन सी ऑल्सो, डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी में भी कनेक्टेड है, तो ये लोकेशन वाइज बहुत स्ट्रेटेजिक है सीरिया, एंड यहाँ से बहुत सारा ट्रेड यहाँ से पास होता है स्विस कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से जाता है रशिया वाली साइड या यूरोप की साइड। अब इसराइल का कहना है कि सीरिया इज गिविंग सेफ हेवन टू हमास। हमास कौन है? हमास इसराइल में, जो इसराइल में आपको पता है इसराइल एंड पैलेस्टीन का पूरा इशू चल रहा है, तो ये पैलेस्टीन का मिलिटेंट ग्रुप है जो टेररिज्म फैलाता है इस टाइप से। तो इसराइल का कहना है कि सीरिया इनको पनाह देता है, इनको सेफ हेवन प्रोवाइड करता है हमास को। फिर हम देखते हैं कि लेबनन का मानना है कि सीरिया इज गिविंग सेफ हेवन टू हजीबुल्ला। देखिए, लेबनन भी एक यू नो सुन्नी कंट्री हो गई, एंड व्हाट वी सी इज कि यहाँ पर शिया मिलिटेंट ग्रुप है, इनको भी सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। हजीबुल्ला इज अनदर मिलिटेंट ग्रुप। तो सीरिया को काफ़ी यू नो इस हिसाब से माना जाता है, काफ़ी क्राइसिस में है, एंड सीरिया की जो सिचुएशन है दैट इज़ ग्लोबल पीस एंड ऑर्डर के लिए बहुत असेंशियल है, इसीलिए सीरियन क्राइसिस को लेकर के काफ़ी टॉक्स हुए, क्योंकि यहाँ से देखो सीरिया में अगर नहीं आ पाया, अगर ये टर्मोइल पूरा एंड नहीं किया गया, तो आइसिस की एक्सपेंशन, क्योंकि आइसिस की जड़ें यहीं से हैं इराक और सीरिया से, तो ये ख़त्म नहीं हो पाएंगी, ये ख़त्म नहीं हो पाएंगी, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो सीरियन क्राइसिस में सिविल वॉर चल रही है बेसिकली, कॉमन सीरियन रेबल के बीच में और सुन्नी डोमिनेटेड हैं ये रेबल्स एंड गवर्नमेंट के बीच में, एंड बहुत सारे फेजेस से निकली है, लेकिन अभी हम देखते हैं ये काफ़ी ख़राब चल रहा है यहाँ पे माहौल। एंड अनदर थिंग इज वी सी दैट कि इनिशियली द नियरेस्ट नेबरहुड ऑफ सीरिया पार्टिसिपेटेड, लेकिन आगे जाकर के क्या होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है जिसकी वजह से और ज्यादा बहुत ही ज्यादा यू नो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इशू। इसीलिए कोई सोल्यूशन लाने की जब भी बात की जाती है सीरिया की, तो बोला जाता है कि
टर्की, जॉर्डन और ये जो कंट्रीज हैं ये मिलकर के सोल्यूशन दे, ईरान और सऊदी अरेबिया ये मेजर पावर्स हैं वेस्ट एशिया की, दे शुड कम आउट विद अ सोल्यूशन। यूएस एंड रशिया और चाइना या बाहर की जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं इनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। देखिए यूएसए का क्या इंटरेस्ट है, यूएसए का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, जिसके चलते यूएसए की प्रेजेंस अभी भी वेस्ट एशिया में बनी हुई है। सबसे पहली बात तो सऊदी अरेबिया एंड इजराइल ये दोनों एलाय हैं यूएसए के, ये चाहते हैं कि सीरिया में ऑब्वियसली यूएसए के इंटरेस्ट सिक्योर रख सके, तो यूएसए की प्रेजेंस है। इसके अलावा सीरिया में रशिया की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है जो यूएसए को थ्रेट लगता है, इसीलिए भी यूएसए यहाँ से निकल नहीं रहा है। दूसरा, यूएसए इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू सिल्क रूट, जो कि वेस्ट एशिया से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए, इंडिया से होते हुए ईस्ट एशिया तक जाएगा। और आपको पता है कि एशिया पैसिफिक इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाउ, आने वाले टाइम में जो ग्रोथ होगी वो एशिया पैसिफिक में होने वाली है, और उस पर्सपेक्टिव से यूएसए एक नई सिल्क रूट की बारे में बात कर रहा है। तो उसके सक्सेस के लिए, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए वेस्ट एशिया में पीस होना बहुत जरूरी है। देन रशिया के इंटरेस्ट ये है कि सीरिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बायर ऑफ रशिया। आपको पता है क्रीमियन क्राइसिस के बाद रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके चलते रशिया की इकोनॉमी दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है, एक तो डिफेंस पे और दूसरा डिफेंस के अलावा हम देखते हैं ऑयल एंड गैस पे। तो डिफेंस इक्विपमेंट बायर है, लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बायर है सीरिया। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी सीरियन गवर्नमेंट के रशिया के गवर्नमेंट के साथ में काफी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, रशिया का नेवल बेस है यहाँ पर, तो रशिया नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर इस रीजन में आकर के अपना इन्फ्लुएंस जमाए। और ट्रेड सक्सेस के लिए, यूरेशियन सक्सेस के लिए रशिया यहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी सीरिया में प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इंडिया के देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है इंडिया का सीरिया में, लेकिन हमारी एक लाइन ऑफ अप्रोच है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन ना हो। कोई भी सोल्यूशन आए अगर सीरिया में, तो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स बिल्कुल भी इसमें इंटरवीन ना करें। एंड इंडिया डज नॉट वॉन्ट एक्सटर्नली इम्पोज सोल्यूशन, इंडिया नहीं चाहता कि सोल्यूशन यूएस से लेकर के आए, या क्योंकि बाहर की साइड से, जैसे हमने पोस्ट वर्ल्ड वॉर में देखा, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ था, जिस तरीके से वेस्ट एशिया के बाउंड्रीज डिवाइड की गई थी, ये कॉन्फ्लिक्ट उसी के चलते होता है सारा। तो इससे बेटर है कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को देखिए नहीं पता होता है, ठीक है, और समटाइम्स अगर हम सोचें कि पता भी होगा तो ये अपने इंटरेस्ट के लिए उसको उस पर्टिकुलर वे में देखेंगे। सो व्हाट वी सी इज कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट विल बी कि बाहर की कंट्रीज का कोई भी इंटरवेंशन ना हो, ठीक है, और आपस में ही मिलकर के अंदर रीजन वाइज, ठीक है, अपनी डेमोग्राफी और सभी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई सोल्यूशन निकलता है जिसकी वजह से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किए जा सके, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किए जा सके। दूसरा, हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का एक न्यूट्रल स्टैंड है, इंडिया किसी सुपर पावर को यहाँ पर एंटागोनाइज नहीं करना चाहती है, ठीक है, एनी ऑफ द सुपर पावर, तो हम किसी एक गुट के साथ में नहीं खड़े हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, वी आर हैविंग अ न्यूट्रल स्टैंड, वी जस्ट वॉन्ट कि ये सिचुएशन जो भी बनी हुई है इसका जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन हो। तो इंडिया चाहता है एक पीसफुल सीरिया, इंडिया चाहता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो पावर है यहाँ से विड्रॉ करें। सऊदी अरेबिया के क्या इंटरेस्ट है, यूएई के क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सुन्नी रेबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो ये वेस्टर्न पावर्स के साथ में एलाइड है, तो सऊदी अरेबिया जैसी जो कंट्रीज हैं ये इस्लामिक ब्रदरहुड को प्रमोट करती है, लेकिन आइसिस के चलते थ्रेट इनको फेस करना पड़ रहा है।
हम देखते हैं सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये यूएसए के साथ में अलाइड हैं टू फाइट अगेंस्ट आइसिस। इराक एंड ईरान की अगर जहां पर बात करें तो इराक एंड ईरान थियोक्रेटिक शिया डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली जो सुन्नी लोग हैं, स्पेशली इराक में सुन्नी लोगों को काफी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, दिस इज व्हाट वी सी। सो इसकी वजह से भी हमको ये चीज देखने को मिलती है कि जो सुन्नी लोग हैं सभी साथ में आकर के उन्होंने इस्लामिक इसका आइसिस का पार्ट बन गए हैं। खैर, तो ये सभी शिया लेड सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, इराक और ईरान जैसी कंट्रीज, और ये यूएसए भी इसके अगेंस्ट में है। जो रशिया है वो भी शिया गवर्नमेंट डोमिनेटेड को गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। देन वी सी दैट दे कम विद द रशिया लेड पावर्स टू सपोर्ट द सीरियन गवर्नमेंट मिलिट्री। अब बात करते हैं सीरियन सिविल वॉर की। सीरियन सिविल वॉर में टर्की एंड जॉर्डन न्यूट्रल हैं। देखिए, डायरेक्ट बॉर्डर्स हैं इनके सीरिया के साथ में, लेकिन दे आर न्यूट्रल, ये एलाइड नहीं है किसी भी ग्लोबल पावर के साथ में। लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड एक्सेस टू आइसिस। सीरिया में एंटर कर सकते हैं टर्की के थ्रू, जॉर्डन के थ्रू, ये न्यूट्रल हैं क्योंकि ये अलाउ करते हैं एंट्री। एंड देयर फोर हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली ये भी इस्लामिक स्टेट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग देम। सो यूएसए का अगर आप देखोगे तो यूएसए ने कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा इन्वेट किया है। जैसे इराक में यूएसए ने इन्वेट किया, ईरान में भी सैंक्शंस लगे, ठीक है। लेकिन ईरान इज नॉट अफ्रेड ऑफ अमेरिका, ये भी रीजन है कि जब भी सैंक्शंस की बात होती है, एक सैंक्शन लगाया जाता है रशिया पे, एक सैंक्शन लगाया जाता है साथ में ईरान पे, और बोला गया है कि जो भी कंट्रीज इन कंट्रीज के साथ में डील करेंगी उस पर्टिकुलर कंट्री पे भी सैंक्शन लगेगा। दिस इज व्हाट वी सी। इसराइल तो देखिए बहुत स्ट्रांग है, इसराइल भी यूएसए के साथ में प्रेजेंट है। तो सीरियन क्राइसिस इज एक्चुअली अ डिप्लोमेटिक फेलियर, क्योंकि स्कॉलर्स का यही कहना है कि सीरियन क्राइसिस डिप्लोमेटिक फेलियर का रिजल्ट है, डिप्लोमेटिक फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ यूएसए। क्योंकि इनिशियली यूएसए ने काफी डिले किया यहाँ पर, कोई सोल्यूशन अगर लाया जा सकता था तो यूएसए को अपने इंटरेस्ट को लेकर के ही क्लैरिटी नहीं थी कि उसको चाहिए क्या सीरिया से। तो मिलिट्री सपोर्ट कोई प्रोवाइड नहीं किया टाइमली बेसिस पे यूएसए ने। दूसरा हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है सभी P5 मेंबर कंट्रीज के बीच में सीरिया को लेकर के। सीरिया को लेकर के P5 कंट्रीज डिवाइडेड हैं। एक गुट में हम देखते हैं कि रशिया और चाइना है जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं यहाँ की। दूसरे गुट में आ जाते हैं यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो यहीं पे ही डिवाइड है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा कोई। सीरिया हैज बिकम द जोन ऑफ ब्लेम गेम, जहां पे एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। यूएसए रशिया को ब्लेम करता है, जैसे कि रशिया यूएसए के अकॉर्डिंग जो रशियन सपोर्ट शिया गवर्नमेंट को जा रहा है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर को यहाँ पर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो एयर स्ट्राइक्स रशिया करता है आइसिस के अगेंस्ट में, जिसके चलते सीरियन रेबल्स की भी बहुत सारे इनोसेंट लोगों की भी जान जाती है एयर स्ट्राइक की वजह से। रशिया अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर रहा है नॉट टू अलाउ ईरान टू पार्टिसिपेट द पीस प्रोसेस इन दी सीरियन क्राइसिस। क्योंकि देखिए, ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें असेंशियल एंटिटी रहेगी रीजन वाइज, और साथ ही साथ ईरान के साथ सऊदी अरेबिया रहेगी। तो ईरान को अलाउ ही नहीं करता है अपने इन्फ्लुएंस के चलते रशिया कि ईरान इन पीस टॉक्स में इसका प्रोसेस का पार्ट बने। रशिया ब्लेम करता है यूएसए को। रशिया का ब्लेम ये रहता है कि यूएसए के जो मिलिट्री सपोर्ट है सीरियन रेबल्स को, इसके चलते एक विशेष साइकिल क्रिएट हो रही है। वेस्टर्न पावर इटसेल्फ इज अ सीरियन रेबल, दे आर गिविंग देयर आर्म्स टू दी अलकायदा आउटफिट इन सीरिया, जहां से ये सभी जा रहे हैं आइसिस के पास।
सो ये आर्म्स वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट में ही यूज किए जा रहे हैं, आइसिस में जो अटैक्स होते हैं, ये सभी जो यहाँ से मिल रहा है इनको, यूएसए या सऊदी अरेबिया, इनसे मिल रहा है, यहीं से ही सारा वेपन्स आता है और इन्हीं के अगेंस्ट में यूज हो रहा है। तो रशिया के अकॉर्डिंग यूएसए की जो प्रेजेंस है सीरिया में, वो सिंगल एजेंडा उसका यही है कि ये अपने एलाई कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उनके इंटरेस्ट को, जैसे इसराइल एंड सऊदी अरेबिया को। तो इसराइल के जो मिलिटेंट है हमास, उसको ये काउंटर कर पाएंगे। दूसरा, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, तो जो सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर। तो ब्लेम गेम चल रहा है, और साथ में आता है आइसिस। तो ये पूरा यहाँ से जेनेसिस है कि कैसे आइसिस स्टार्ट हुआ। आइसिस पहले आइसिल नाम से जाना जाता था, एंड इसका जेनेसिस होता है जब इराक में इन्वेजन किया था यूएसए ने 2003 में। 2003 में जब इराक में इन्वेजन किया गया, तब वहां पर आइसिस लोकल मिलिशिया के फॉर्म में इमर्ज हुआ, क्योंकि जब इराक में सद्दाम हुसैन को हटा करके यहाँ पे शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट लेकर के आएंगे यूएसए, तो उसकी वजह से जो सुन्नी रेबल्स होंगे, सुन्नी लोग जो होंगे यहाँ के, उनका मानना होगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय द शिया गवर्नमेंट, वहां से वो पूरा स्टार्ट होगा। तो 2004 में इन्होंने अपना अलायंस अलकायदा के साथ में डिक्लेयर किया था, और अलकायदा की आउटफिट इराक में ऐसे काम करना शुरू किया एज एन आउटफिट ऑफ अलकायदा। 2006 में आगे जाकर के ये खुद ही डिक्लेयर कर देंगे इस्लामिक स्टेट इन इराक, और अपना ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि एक ये सुन्नी इस्लामिक स्टेट इराक और लेबनान एरियाज में बनाना चाहते हैं, जो कि शरीयत लॉ पे रहेगा। आज के टाइम पे क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम्स सभी लोग, मतलब रिलीजियस वाइज काफी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि कल्चर में बहुत सारी मॉडर्न प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, ये उन मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में है। तो आइसिस की वेस्ट एशिया में धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ गई है, ठीक है। 2011 में स्पेशली हम देखेंगे, तो जब इराक से यूएसए के जो बहुत सारे ट्रूप्स थे, 2011 तक वो बाहर चले गए थे वापस, तो वहां से आइसिस की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। एंड वेस्ट एशिया, अब वेस्ट एशिया में यूएसए की मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रही, तो 2011 से यहाँ पर डिवाइडिंग लाइन होती है, जहाँ से आइसिस की ग्रोथ होनी शुरू हुई। 2011 से पहले बहुत सारे ऐसे सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो सीरिया और इराक में काम कर रहे थे, लेकिन उनका कॉमन थ्रेड नहीं था, कोई कॉमन कॉज नहीं था, कॉमन आइडियोलॉजी भी काम नहीं कर रहे थे कि वो सुन्नी इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो आइसिस को उस टाइम पे मॉरल सपोर्ट नहीं मिला लोगों से, इसीलिए उस टाइम पे इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में देखा जाता था। लेकिन अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन के चलते, जैस्मिन रेवोल्यूशन के चलते, जो शिया और सुन्नी की एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई इराक एंड सीरिया में, वहां से फिर आइसिस को, अब जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो इसको क्रूसेडर मानती है कि ये मसीहा है, यही इनको अब आजादी दिलाएंगे, और इस तरीके से आइसिस की शुरुआत होती है। तो ये पूरा इसमें स्ट्रेंथ क्या है इसकी, ये सभी चीजें यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि आउटकम क्या होने वाला है इसका। देखिए, सीरियन क्राइसिस का आउटकम तो यही है कि सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बॉर्डर जो होगा उसको रीड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। एक साइड पे जहाँ सुन्नी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ था, वैसा कुछ हो सकता है। दूसरा, हम देखते हैं कि देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम डेमोक्रेटाइजेशन। सीरियन क्राइसिस के चलते तो थोड़ी बहुत भी जो डेमोक्रेसी यहाँ पर थी, उसकी वजह से एनार्की आ गई है, डिक्टेटरशिप आ गई है यहाँ पर। डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट ये पड़ा है सीरियन क्राइसिस की वजह से कि सीरिया से इराक से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली यूरोप की कंट्रीज में, जिसके चलते यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा बर्डन बन गया है। देन हम देखते हैं कि वेस्ट एशिया प्रॉक्सी वॉर की तरह बन गया है, जहाँ पर जो सभी कंट्रीज हैं अपनी डिप्लोमेटिक इक्वेशन लगा करके, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। दूसरा, इस रीजन की जो स्टेबिलिटी है वो काफी अफेक्ट हुई है। इट हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि कितनी सारी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की वजह से यहाँ पर वो मेंटेन नहीं है, तो कितने लोगों की जान गई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है, ऑल रिसोर्सेज की वेस्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट एयर स्ट्राइक्स होती हैं, कुछ भी होता है, तो देर इज अ लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द हेरिटेज साइट्स। रिलीजियस इम्पैक्ट ये पड़ा है कि इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है अब इसकी वजह से, सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, विमेन का, चिल्ड्रन का अब्यूज हो रहा है, जब भी कैसे टर्मोइल वाली सिचुएशन होती है ये होता है। बाकी नेबरहुड के पार्ट में क्या डिप्लोमेटिक फेलियर है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन नेबरिंग कंट्रीज भी लाना चाहें इस पूरे एरिया में, तो भी कोई सोल्यूशन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज आपस में कंट्रीज का कंसेंसस ही नहीं है, दैट्स व्हाई। तो हम देखते हैं कि नेबर कंट्रीज भी अलाइन नहीं है, यू नो कुछ नेबर कंट्रीज ग्लोबल पावर के साथ में अलाइंड हैं, वो उनका एक कंसेंसस नहीं बना हुआ है, देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस की सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वी सी ये सीरिया का जो क्राइसिस है बहुत जल्दी नहीं ठीक होगा। ठीक है, सो दिस इज द पीडीएफ दैट आई हैव गिवन, गो थ्रू दिस पीडीएफ फॉर यू नो, देन एट द एंड ऑफ दिस मैंने बताया है कि इंडिया के लिए वेस्ट एशिया की क्या इंपॉर्टेंट है, ये अभी कवर करेंगे, हार्डली बहुत कम बचा है अब इसका, सीरियन क्राइसिस आज हो चुका है, बाकी नेक्स्ट हमारा जब भी सेशन है इस पर्टिकुलर सीरीज में वी विल कंटिन्यू विद वेस्ट एशिया इटसेल्फ। वेस्ट एशिया में अभी हमने इसराइल पैलेस्टीन इशू भी कवर करना है, ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन इशू भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग, थोड़ा सा आई हैव टू गिव माई सेल्फ अ रेस्ट, ठीक है, तो फिर शुरू करेंगे इसको, आई एम जस्ट कमिंग, देन वी विल कंटिन्यू।
लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास. इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया फॉर इंडिया. क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए वेस्ट एशिया की? देखिए, इंडिया हैज़ ह्यूज स्टेक्स लाइक एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड. इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर काफ़ी काम करती है. ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर देखोगे तो 70% इंडिया का जो ऑयल है यहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है वेस्ट एशिया से. और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करेगी 8% पे या उससे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं इंडिया की डिपेंडेंस बहुत बढ़ने वाली है. तो उस हिसाब से वेस्ट एशिया में पीस होना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है. दूसरा, हम देखते हैं कि यहाँ पर कम से कम भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो इंडियंस हैं जो वेस्ट एशिया में काम करते हैं. एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपियंट. वेस्ट एशिया से जो ये लोग काम करते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं जिससे इंडिया के इंडिया को ही फायदा होता है. तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी जो इस रीजन की इंडिया के लिए बहुत ही कोर है, कोर एजेंडा है इंडिया का. नेक्स्ट इज टू काउंटर रेडिकलाइजेशन. रेडिकलाइजेशन को भी काउंटर करने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्लोज कोऑपरेशन की ज़रूरत है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज रेडिकलाइजेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है वेस्ट एशिया से, स्पेशली आइसिस की वजह से. देन फिर हम देखते हैं कि इट इज़ अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि ईरान और इराक के पास में ही यहीं पे सब कुछ हो रहा है वेस्ट एशिया से. ईरान इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, तो वहीं से हम सेंट्रल एशिया की कंट्रीज जो एनर्जी सिक्योरिटी वाइज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं से हम एक्सेस कर पाते हैं. दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, चाइना भी वेस्ट एशिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस अपना बना चुकी है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अरेबियन सी में और वेस्ट एशिया में चाइना कंटिन्यूसली वेस्ट एशिया में अपना वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को भी प्रमोट कर रही है. लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस है वेस्ट एशिया में, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अरब स्प्रिंग के चलते, टेररिज्म है, सऊदी अरेबिया और ईरान ये दो कंट्रीज हैं इनके बीच में राइवलरी है, पाकिस्तानी फैक्टर हमको देखने को मिलता है, पाकिस्तान क्लोज एलाई है बहुत सारी वेस्टर्न वेस्ट एशियन कंट्रीज का, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो गया. शिया सुन्नी के बेसिस पे डिवाइड है यहाँ पर विच इम्पैक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो. और इंडिया के यहाँ पर इसराइल के साथ में क्लोज रिलेशन है, ये एक दूसरा सोर पॉइंट है वेस्ट एशिया के साथ में. इनफैक्ट हमारे ईरान के साथ में भी क्लोज रिलेशन हैं जिसके चलते सऊदी अरेबिया, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में राइवलरी है, कहीं ना कहीं ये एंटागोनाइज कर सकता है सऊदी अरेबिया को. तो हमें 3 पिलर्स हैं इंडिया के वेस्ट एशिया के, ये 3 पिलर्स हैं सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इसराइल. ये 3 पिलर्स हैं, इनके बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी आई थी 2005 में. रिसेंटली काफ़ी वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी मोदी ने अपनी विजिट की थी, ठीक है, एंगेजमेंट करने के लिए. तो किस हिसाब से इंडिया की जो वेस्ट एशियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वेस्ट एशियन, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है. तो रीजनल इश्यूज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने ये डिस्कस कर लिया है इसराइल अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड क्योंकि इस रीजन से वेस्ट एशिया से एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसको यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप में रिप्रेजेंटेशन मिला हो, तो इस वजह से भी ये काफ़ी टर्मोइल में भी है. दूसरा, टेररिज्म में हम देखते हैं काफ़ी आगे हैं. हाँ, एंड ऑफ द डे ऑल इस्लामिक कंट्रीज आर टुगेदर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. देखिए, एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट ट्रू. शिया और सुन्नी में डिवाइडेड है राघव, सभी इस्लामिक कंट्रीज साथ में नहीं है. यही रीज़न तो मैंने आपको बताया था कि वेस्ट एशिया में इतना राइवलरी और ये सब क्यों है, क्राइसिस होने के बावजूद सॉल्व नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है. इन और क्या ये पढ़ लेना, सऊदी अरेबिया के इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिटिकल इश्यूज क्या है, इंडिया की वेस्ट एशिया की पॉलिसी क्या है, इंडिया ईरान का इशू क्या है, दिस इज रिगार्डिंग दैट. अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हमारी IR पे इस पर्टिकुलर सीरीज में ही, इसमें हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसराइल एंड पैलेस्टीन. अभी तक हमने सिर्फ सीरियन क्राइसिस, वेस्ट एशिया के इम्पोर्टेंस ये सब पढ़ा कि वो कह रहा है यहाँ पर. वी विल स्टडी इसराइल पैलेस्टीन इशू एंड इंडिया इसराइल रिलेशंस एंड
उसके साथ हमारा खत्म हो जाएगा। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।